बढ़ती हुई महंगाई के दौरान हुकूमत का एक और बार सफेद पुश तबके के लिए घर बनाना मजीद दुश्वार हो गया। पंजाब हुकूमत ने मजीद बुलंद कर दी महंगाई की दीवार। तामीराती मटीरियल 17% मजीद इजाफे का शिकार। सीमेंट की कीमत में 120 रुपए का इजाफा। सरिया 25 रुपए इजाफे के साथ 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। दर्जा अव्वल ईंट की कीमत में भी 700 रुपए का इजाफा। बढ़ती हुई महंगाई गरीबों की शामत लाई। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ दालों की कीमत में 20 से 40 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दाल मार्च 30 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 280 रुपए की हो गई। दाल मूंग 22 रुपए इजाफे के साथ 172 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शेफियों का महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई आवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्तान, नैया, जानपुर और बहावनगर में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। ज़िले सदर मलिक मोहम्मद सलीम पार्टी अहदेदारान जयालों की बड़ी तादाद में शिरकत। कहते हैं मुल्क को बहरानों से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो की कॉल पर हर जुमे को एहतजाज करेंगे। बारातियों की दुहाई, खुशियां खा गई महंगाई। बहावल नगर में महंगाई के आफ्टर शॉक सामने आने लगे। महंगाई से तंग दूल्हा बारात छोड़कर पीपल्स पार्टी की रैली में पहुंच गया। महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए। कहा महंगाई ने शादी करना भी मुश्किल कर दिया है। रैली में शामिल होकर हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश है। गर्म चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस बहरान के बाद लकड़ियाँ महंगी। शहरी महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर। कहा कि महंगी एलपीजी भी नहीं खरीद सकते। हुकूमत ने नर्ख कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। लकड़ी बहुत महंगी है। लकड़ी 900 रुपए मन दे रहे हैं, जो है पीछे से लकड़ी ये कहते जी हमें मिलती नहीं है, इसलिए लकड़ी का रेट महंगा किया हुआ है। गैस की बहुत लोड शेडिंग है, इस वजह से बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, गैस नहीं होता तो सुई गैस आ रहे हैं। बच्चे सुबह जो है ना बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। लकड़ी के और कोयले के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आवाम की पहुँच से दूर है। कमरे में गैस भरने से 3 अफराद अबदी नींद सो गए। रहीम यार खान चिनाब कमर्शियल सेंटर में 4 होटल के कमरे में गैस भर गई। दम घुटने से 3 मुलाजिम जंबहा, 3 की हालत खराब। शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। मुलाजमीन कमरे में गैस हीटर चलाकर सो रहे थे। गैर मैयारी सिलेंडर या मौत का परवाना। मुल्तान पुलिस का गैर मैयारी एलपीजी सिलेंडर्स के कारखाने पर छापा। पुलिस ने गैर मैयारी सिलेंडर्स बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया। उधर भक्कर से 2800 लीटर ईरानी डीजल बरामद किया गया। सर्दी बढ़ते ही बच्चों की मौजें लग गईं। पंजाब हुकूमत का 23 दिसंबर से स्कूलों में छुट्टियां देने का ऐलान। 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। जनूबी पंजाब के किसान खाद न मिलने पर परेशान। मुल्तान में बहावलपुर में किसानों की लंबी कतारें। मियांवाली के काश्तकार भी खाद न मिलने पर मायूस। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक मोहम्मद नवाज का ऐसे निकाम। कहा कि किसानों की सहूलत के लिए 25,000 थैले खाद मंगवा ली गई। मुल्तान में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। मुस्तहिक खातीन का जहेज खा गई। महकमे औकाफ की जहेज कमेटियां 3 साल से अदम तश्कील का शिकार। मुस्तहिक खातीन को महाना जहेज की मद में मिलने वाले 15,000 रुपए 3 साल से ना मिल सके। हर माह 12 मुस्तहिक खातीन को शादी से कबल जहेज फंड दिया जाता था। महकमे सहे डेरा गाजी खान के अजब पंथक आईसीयू डीएचक्यू अस्पताल तौनसा के लिए आलात और मशीनरी मांगी शुरू कर दी। डीएचक्यू लैया से 4 आईसीयू बेड्स, कार्डिक मॉनिटर और दीगर आलात मांगे गए। तिबी आलात की मुंतकली से लैया के मरीज मुतासर होने का खदशा है। मुल्तान में फराहमी आपकी सहूलियात को बेहतर करने के लिए इकदाम। वाटर सप्लाई की बोसीदा लाइनों की तब्दीली का काम जारी। 1 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ इलाकों में लाइनों को तब्दील करने का अमल आखिरी मराहल में दाखिल। मुमताजाबाद, गुलरेज कॉलोनी, विलायत आबाद, शम्स आबाद समेत दीगर इलाकों में पुरानी लाइनें तब्दील कर दी गई।
37 वालिदैन पर मुकदमा दर्ज करने वाला हेडमास्टर मुअत्तल। एख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, स्कूल हेडमास्टर को महंगा पड़ गया। शक 42 और 43 के स्कूल हेडमास्टर को सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने मुअत्तल कर दिया। वालिदैन और हेडमास्टर के माबैन क्रिकेट पिच बनाने पर तनाजा हुआ था। इलेक्शन से कबल इलेक्शन की तैयारियां, भक्कर में मुस्लिम लीग नून के सिटी ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। लीग सदर साबिक एमएनए अब्दुल मजीद खान, सूबाई वजीर नईमुल्ला खान की खसूसी शिरकत। कहते हैं पंजाब मुस्लिम लीग नून का किला है, जो टिकट पर होगा कामयाब होगा। इलेक्शन बल्दियाती हो या जनरल, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। मेंबर सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी की वक्त की सूरत में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मेंबर कौमी असेंबली जैन कुरैशी के हमराह मुल्तान शहर के मसाइल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर ने गला मंडी ता BCG चौक तक सड़क की तामीर कराने पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। डेरा गाजी खान में सफाई का निजाम हो गया बेमिसाल। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। शहर को 4 सेक्टर में तश्कील करके कमेटियां बनाने के अहकाम। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीनरी खरीदने की हिदायत। वास्ता के क्याम के लिए दोबारा सिफारिशात भेजने की भी हिदायत। शहर ओलिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए बड़ा फैसला। जिले इंतजामिया का शहर के दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाने का फैसला। अहम शाहराओं पर यादगारें बनाई जाएंगी। बाबा चौक समेत दीगर शाहराओं पर लैंडस्केपिंग भी होगी। DGPHA के दरख्तों की शजरकारी और मौसमी फलों की सजावट के अहकाम। उधर अजान घर की तामीर के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को 8 साल गुमशुदा बच्चे के लवाहिकीन की तलाश। बच्चा अपना नाम मुबशीर वक्त आबिद और शाहदरा मोड़ लाहौर का रिहायशी बताता है। जब बजरिया ट्रेन लाहौर से मुल्तान पहुंचा, बच्चे को तकरीबन 1 माह कबल रेलवे स्टेशन से गुमशुदा पाकर हिफाजती तहवील में लिया गया। साहिबान ग्रुप के जेर एहतमाम किसान मेला डायरेक्टर ग्रिप मलिक शमीर ने बेहतरीन पैदावार पर किसानों को एजाजी शील्ड दी। कहा कि किसानों की खिदमत के बायस उनकी मुआशरे में इज्जत है। हमारे एक और खूबसूरत मेहमान भी ग्राउंड में मौजूद, पीर साबर शाह। और लेयर TDA ग्राउंड में चट्टान गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में क्वेटा और कबीरवाला की टीमें मद्दे मुकाबल। मेहमान खसूसी DSO इम्तियाज भट्टी समेत दीगर की शिरकत। चाकिन की कसीर तादाद में फुटबॉल का बड़ा टाकरा देखने ग्राउंड पहुंच गए।